चुनाव से पहले मोदी का मास्टर स्ट्रोक, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण, लोकसभा में आज सरकार लाएगी बिल, राज्यसभा का सत्र एक दिन बढ़ाया गया, चुनावी मौसम में देश में शुरू हुई बड़ी बहस, विरोधियों ने फैसले को बताया चुनावी स्टंट, कांग्रेस बोली नौकरियां नहीं तो कैसे मिलेगा आरक्षण, सवर्ण आरक्षण पर हर बड़ी खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। नमस्ते भारत, साथ आपके मैं हूँ कुमकुम बिनवाल। नमस्ते भारत, मैं हूँ आदर्श झा। तो आइए शुरू करते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आपको बताने का सिलसिला, और शुरुआत करेंगे मोदी के मास्टर स्ट्रोक से। जी हाँ, चुनाव को केवल 89 दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले मोदी ने चला है ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिससे विपक्ष हो गया है चारों खाने चित। सवर्णों, जी हाँ, अग्रणों को आरक्षण, वो भी वो जो कि आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उनको देने वाला बिल आज लोकसभा में पेश होगा। कैबिनेट की बैठक में सामान्य वर्ग के गरीब तबकों के लिए सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की मंजूरी के बाद आज इस मुद्दे पर संसद में हंगामा मचना तय है। सरकार दोपहर 12 बजे सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा में लाएगी। सवर्ण आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में रहने को कहा है। लोकसभा में बिल पास होता तो फिर राज्यसभा में भी बिल को पास कराना होगा। राज्यसभा का सत्र एक दिन यानी कल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विरोधी सवर्ण आरक्षण के फैसले को चुनावी स्टंट बता रहे हैं। जाहिर है कि संसद में आज और कल खूब हंगामे के आसार हैं। तो गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लाने के लिए बिल तो सरकार ले आएगी, लेकिन इसकी राहें इतनी आसान नहीं है, कैसे देखिए। सरकार ने भले ही सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी हो, लेकिन इस फैसले को कानून की शक्ल मिलना इतना आसान नहीं है। संविधान के मुताबिक देश में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 49.5% आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है। 10% आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव करना होगा। अनुच्छेद 15 के तहत शिक्षण और अनुच्छेद 16 के तहत सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है। सरकार के लिए असली चुनौती संविधान संशोधन करने में होगी। इसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से बिल पास होना जरूरी है। एक सदन में पास होकर उसी रूप में दूसरे सदन में जाएगा। बिल पास होने के बाद आधे राज्यों की विधानसभाओं से इसे पास कराना होगा। राज्यों के समर्थन के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ती है। जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं। क्यों हम ये कह रहे हैं, आंकड़ों के गणित से समझिए कि कैसे इतना आसान नहीं होगा सरकार के लिए। देखिए, लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए 358 वोट की जरूरत है। एनडीए के पास है 304 वोट। एनडीए के पास अपने आप में अकेले में राज्यसभा में कितने वोट है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, 91 वोट। तो कुल मिलाकर राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 163 वोट की जरूरत है। एनडीए के पास 51 वोट है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा में राहें भले ही आसान हो, लेकिन राज्यसभा में उतनी आसान नहीं होने वाली है। इन सबके बीच कांग्रेस सहित तमाम जो विपक्षी दल है वो सरकार के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा लोकसभा के अंदर दिखेगी। मौसम सर्दी का है, लेकिन सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। सवर्ण आरक्षण पर विपक्ष सीधे सीधे विरोध तो नहीं कर पा रहा, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल जरूर उठा रहा है। 2019 के चुनाव में 100 दिन से कम बचे हैं, तभी मोदी सरकार को आर्थिक तौर पर देश के गरीबों की याद आई, ऐसा क्यों। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, चुनाव से पहले बीजेपी सरकार संसद में संविधान संशोधन करे, हम सरकार का साथ देंगे, नहीं तो साफ हो जाएगा कि ये मात्र बीजेपी का चुनाव से पहले का स्टंट है। आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की पैरवी करने वाली बीएसपी अभी वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है। भी जानते हैं कि संभव नहीं है, ये तो आपको मालूम है कि 50 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% के बियॉन्ड नहीं आ सकते हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने इसे राफेल से ध्यान हटाने के लिए उठाया स्टंट बताया है। पूरे देश के पैमाने पर उससे ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जुमला फेंका है। तो सवर्णों की नाराजगी दूर करने की सरकार की एक बड़ी कोशिश हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी शर्तें हैं। क्या सारे सवर्ण इसके दायरे में आ जाएंगे, या वो कौन सी शर्तें हैं जिनको पूरा करने वाला सवर्ण परिवार ही इस आरक्षण के जद में आएगा।
सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद सामान्य वर्ग के कौन कौन लोग इसका फायदा ले पाएंगे, सरकार ने इसकी सीमा कुछ इस तरह से तय की है। पारिवारिक सालाना आय 8 लाख से कम हो, 5 एकड़ से कम खेती की जमीन हो, 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो, निगम की 100 गज से कम अधिसूचित जमीन हो, 200 गज से कम निगम की गैर अधिसूचित जमीन हो। ये है ABP News, आपको रखे आगे।